उत्तर प्रदेश में जिन माफियाओं पे हम लोगों ने डंडा लगा रखा है वे सब भाग करके फिर यहीं आ जाएंगे। और इसलिए हम पूरी सतर्कता बना के रखें, किसी माफिया को नहीं आने देंगे, क्योंकि कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ सदैव रहा है। और इसलिए करने के लिए मैं कह रहा हूं, को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हमें तैयार होना होगा। आप क्या सहमत हैं? और भाइयों बहनों, इसलिए भी यहां के लोकप्रिय सांसद हैं केंद्र सरकार के सबसे युवा मंत्री श्री अनुराग सिंह, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा, और इसी जिले से है, यानी इसी जिले के सपूत भारत में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव लड़ता है, और इसलिए भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीतना चाहिए। राजेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम किया, विद्यार्थी परिषद और संगठन के लिए समर्पित किए, आज यहां पर विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में आपकी सेवा कर रहे हैं। भारी बहुमत से विजयी बनाकर के भेजे, विश्वास के साथ कह सकते हैं विकास की एक नई ऊंचाइयों के साथ घुमावरी विधानसभा और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा। 12 नवंबर के लिए क्या आप सभी सहमत हैं? भारी बहुमत, मंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है, और चुनाव के दौरान तो हर घर में प्रत्याशी का जाना बहुत कठिन होता है। आप सभी राजेंद्र गर्ग बन करके उनकी प्रतिनिधि के रूप में घर घर जाएंगे। मध्य प्रदेश के महाकाल में महाकाल लोक का पुनरुद्धार हो रहा है, आस्था के इन प्रतीकों का सम्मान क्या कांग्रेस कर पाती? क्या गरीबों को राशन ये दे पाते? गरीबों को फ्री में उपचार की व्यवस्था ये लोग कर पाते? हर गरीब को आवास की सुविधा, हर गरीब के घर में शौचालय की सुविधा क्या ये कांग्रेसी कर पाते? तो भाइयों बहनों, न ये सुरक्षा दे सकते हैं, न ये विकास ही करा सकते हैं, न यहां किसी का कल्याण ही कर सकते हैं, तो फिर इनको क्यों चुनना है? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे ना, और उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है मालूम है आपको? 25 करोड़ आबादी है, 432। आप सुनते होंगे कि राम नाम सत्य है के लिए भी 4 आदमी चाहिए होते हैं, वहां कंधा देने के लिए कोई नहीं उनको। तो आप इस देवभूमि में कई ऐसे लोगों को ढोने का प्रयास कर रहे हैं, मत ढोइए। और मैं इसलिए भी आपसे कह रहा हूं, डबल इंजन की सरकार जिस स्पीड के साथ विकास करा रही है हिमाचल प्रदेश की, भाइयों बहनों, शांति और सौहार्द की भूमि, देवभूमि के रूप में हिमाचल प्रदेश है।